डेली बेसिस पे मैं करेंसी एनालिसिस ही करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करता हूँ। Whereas मेरा 2/3 ऑफ द वर्क्स ट्रेडिंग वर्क जो है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी पे होता है, एंड 1/3 जो काम होता है वो करेंसी डॉलर रुपए में होता है। उसका मेन रीजन जो हार्डकोर डॉलर से मींस यूरो डॉलर जीबीपी डॉलर डॉलर ये उसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेनली आईएनआर बेस में करता हूँ। उसमें भी डॉलर रुपी में मेन पार्ट है, दैट इज व्हाई मेरा जो रुपी वाला काम है दैट इज 1/3 एंड रिमेनिंग 2/3 ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। इसी कारण मैं सोचा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस ऑन ए रेगुलर बेसिस में अप टू डेट करता रहूं। ये जो है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये है 15 मिनट का। आज का जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था, ओपनिंग काफी गैप अप में हुआ था एट 43,515 में। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल एक इनसाइड बार कैंडल दिया, उसके लोअर के नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ होने के बाद कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये आपका कंसोलिडेट कर रहा है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था दैट इज 43,350 ऑन द हायर साइड वहीं पे। तो अभी एक सपोर्ट जोन बन चुका है 43,275 से 43,350, 75 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन। तो अभी हायर चांसेस है कि ये इसी जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। फॉर एडिशनल सपोर्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट लेंगे। आज स्पेशली थर्सडे वीकली एक्सपायरी है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा आपका बिहेव करता है। यहाँ पे आप अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे 43,400 में कॉल का राइटर्स ज्यादा है विच इज मोर देन 90 लाख दैट 98 लाख एंड पुट्स एट 76 लाख। उसके बाद वाला जो एक्सपायरी है 43,500 उसमें आपका कॉल्स जो है 1.29 शेयर का है एंड पुट जो है वो है आपका 40 लाख का है। दैट बीइंग द केस ये आपका आज का जो एक्सपायरी है देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये 43,500 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। ये है आपका ओपन इंटरेस्ट का चार्ट का कैलकुलेशंस। एंड जो टसल्स हो रहा है वो मेनली 43,400 में, हालांकि द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड पुट इज देयर जो 22 लाख का आसपास है एज ऑफ नाउ करेंटली। और लोअर साइड में 43,300 में पुट का बिल्डअप है एंड 43,200 में भी पुट का बिल्डअप है। दैट मीन द केस 43,200 या 43,300 दोनों के नीचे आज का एक्सपायरी होना नहीं चाहिए। 43,300 क्योंकि करेंटली जो मार्केट है अभी 43,385, तो 43,300 का एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है बैंक निफ्टी का भी वॉलेटाइल होने के कारण। सो हम क्या कर सकते हैं कि 43,200 का एक रेंज लोअर साइड में ले सकते हैं एंड 43,500 का अपर साइड का एक रेंज ले सकते हैं। दैट मीन द केस 43,500 जो है आपका ये हो गया 43,500 और है आपका 43,200 समवेयर हियर। तो आज का एक्सपायरी जो है देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज ये दो रेंज के अंदर में ही हो जाए। एज ए ऑप्शन राइटर 43,500 एंड अबोव हम कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं एंड 43,200 एंड बिलो हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग अगर इसी रेंज के अंदर में हो जाता है वी विल बी इन ए पोजिशन टू विल बी इन ए पोजिशन टू मीन्स एंजॉय द एंटायर टाइम डिके जो प्रीमियम है वो। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पे 43,200 एंड 43,000 पी को मैंने शॉर्ट करके रखा है।
पहले का मेरा एक था 1 night, आपका 42,800 का, 42,800 का जो मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, एंड मैंने 42,800 को 43,000 में शिफ्ट किया एंड 43,200 का शिफ्ट किया। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग जाना नहीं चाहिए। That is upper side में I am looking for certain opportunities जहाँ पे actually 43,500 and above आप अगर देखोगे 43,500 call 43,500 का अगर call का देखोगे का 16-16 rupees premium is there and 43,500 का लेंगे तो कॉल का लिंक दे दो। लेट अस चेक द प्रीमियम कंटेंट। कट चुका है 43,500 का कॉल 26 रुपीस इज देयर 26 रुपीस एंड 43,600 का जो कॉल है वो 15 रुपया है। यानी आप अगर वहां पे आप अगर ऑप्शन राइट करते हो इसके ऊपर तो आपको ये दो प्रीमियम मिल सकता है 36 रुपीस एंड 50 रुपीस। छोटा छोटा लॉट में प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक लॉट में ही उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब 3 महीना 6 महीने का प्रैक्टिस हो जाएगा इन सच ए केस वी कैन गो फॉर बिगर लॉट्स। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का जो अभी प्राइसिंग है 18,840 18,842 जो ओपनिंग था, ओपनिंग का गैप अप ओपन था, ओपन एट 18,874। उसके बाद एक इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार के लो के नीचे 850 के नीचे आपका छोटा एक 40 रुपए का एक डाउनवर्ड मूव देखा। अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हम इसका ओपन इंटरेस्ट का हेल्प लेंगे निफ्टी का। यहाँ पे करेंटली ये है 18,850 का जो प्राइसिंग है, करंट प्राइसिंग 18,841। सो यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे करेंटली जा रहा है जिसमें कॉल के लिए 1.51 सीआर का ऑप्शन है एंड पुट के लिए 103 का है। और ऊपर में हम देखेंगे 18,900 में आपका 2.62 सीआर का कॉल है, मैक्सिमम बिल्डअप है, एंड नीचे आपका 18,800 का। दैट मीन द केस 18,900 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड 18,800 का नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए। सो जो क्लोजिंग रेंज हो सकता है 18,800 से 19,000 के बीच में ही एक्सपायरी हो सकता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है वी नीड टू चेक इट रेगुलरली ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है पोजिशन। दैट मीन द केस 19,000 ऑन द हायर साइड, सो इसके ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड आपका 18,800 एंड इसके नीचे ये क्लोज देना नहीं चाहिए एज ऑफ एज पर द ओपन इंटरेस्ट करेंटली जिसको हम रेगुलर बेसिस में मॉनिटर करना चाहिए। दैट बीइंग द केस हम अभी देखेंगे इसमें कुछ प्रीमियम क्या हो सकता है। आपका 19,000 का जो प्रीमियम है कुछ है नहीं, 2 रुपया है, और 18,800 का है 8 रुपीज 90 पैसा। यानी आप अगर इस दोनों को शॉर्ट करते हो तो आपको 11 रुपये के आसपास का कुछ प्रीमियम मिलता है एंड आउट ऑफ द मनी अगर कॉल पुट को बाई कर लेते हो तो थोड़ा सा कॉस्टिंग जाएगा, 1-2 रुपया हम पकड़ सकते हैं, 11-2 9 रुपया। यानी एक लॉट में आपको 9 रुपया का एक प्रोबेबिलिटीज बन सकता है। आप सोचोगे कितना छोटा अमाउंट है, 9 रुपया, 9 रुपीज इंटू 50 हो गए 450 रुपया, 450 रुपया। तो आप अगर 10 लॉट का करते हो तो आपका 4,500 रुपया लगता मिलता है। आप सोचोगे कि इतना छोटा पैसे में क्या करेंगे। तो दैट बीइंग द केस आइए हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे एक बस का टोटल लगा के देखते हैं। निफ्टी 19,000 कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए 10 लॉट बोले तो
देखते हैं कितना, अगर सिर्फ करेंगे तो 9,75,000 यानी 10 लाख का पैसा लगेगा, और अगर हम 18,800 फुट को शॉर्ट करेंगे 10 लॉट को, तो हमारा जो प्रीमियम लगेगा टोटल 13 लाख। ये हो गया आपका स्ट्रेडल। लेकिन इसको अगर आयरन फ्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 19,100 का कॉल को बाई कर लेंगे 10 लॉट, तो आपका एनी इधर 18,700 फुट को बाई कर लेंगे 10 लॉट, तो आपका हो गया 4,500,000 रुपया। तो 4,500,000 रुपया लगा के 4,500,000 रुपया यानी 1% आपका ये रिटर्न आ सकता है, 1% रिटर्न 4,500,000 लगा के 4,500,000 रुपया, 1 हफ्ते में 1%, 4 हफ्ते में 4%, यानी महीने का 4% बोले तो साल का 12 × 4 = 48 का आपका इसी छोटे से स्ट्रेटेजी में आपको बन सकता है। तो इसके लिए आपको झट से करना नहीं है, आपको काफी मीन्स प्रैक्टिस करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, बेसिकली 3 महीना आपको एक एक लॉट में करना चाहिए रिटर्न वाइज 1% का। 3 महीने के बाद आपको सक्सेस मिलता है तो आपको 3 लॉट में करना चाहिए, उसके लिए फिर अनदर 3 मंथ्स, उसमें भी आपको सक्सेस मिलता है तो आपको फिर उसको 5 लॉट या 10 लॉट में करना चाहिए, उसमें भी सक्सेस मिलेगा, देन एंड ओनली देन आपको ज्यादा लॉट में जाना चाहिए। सो प्रैक्टिस के लिए आपको एक ही लॉट में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें आप अगर प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे 10 लॉट के लिए 4,500,000 रुपया है, तो यानी 1 लॉट के लिए आपका ये अरेंजमेंट बनाने के लिए आपको 45,000 मिलेगा लगेगा, 45,000 लगा के आपको मिलेगा 450 रुपया 1% पर वीक, 4% पर मंथ, 48% यानी हम जस्ट 50% ही पकड़ लेते फॉर कैलकुलेशन, 4,500,000 लगा के आप 45,000 लगा के 50% यानी आपको 22,000 रुपया साल का, आप बोलेंगे 22,000 रुपया साल भर में कमा के क्या करेंगे। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट ओरिएंटेशन। जैसे ही आप एक्सपर्ट बन जाते हो इस स्ट्रेटेजी में, तो आपका जो कैपिटल है 50,000 के जगह पे 5 लाख लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, 5 लाख को 50,000, 50 लाख में कैपिटल बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 50 लाख को 5 करोड़ बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है आपका कंसिस्टेंस। तो कोई अगर चाहे तो झट से 5 लाख 50 लाख या 5 करोड़ लगाना चाहता है, आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट नॉट टू डू दैट, स्टार्ट विथ स्मॉल फील्ड, स्मॉल लॉट्स, 1 लॉट 2 लॉट से चालू करें, 450 रुपया 900 रुपया पर एक्सपायरी का बनाए, 900 रुपया अगर 2 लॉट करेंगे तो 900 रुपया, 1 लॉट करेंगे तो 450 रुपया, लेट अस टॉक अबाउट 450 रुपया, तो 450 900 1800 यानी 2,000 रुपया महीने का मिलेगा बाय एम्प्लॉइंग 45-50,000, 2,000 यानी 24,000 पर एनम। आपको एक साल के लिए करना नहीं है, आपको 3 महीना 4 महीना करना है, जैसे आपका ये यूज टू हो जाएगा तो आपको फिर नेक्स्ट 50,000 की जगह में आप 1 लाख में कर सकते हो, देन 3 महीना प्रैक्टिस कीजिए, देन 1 लाख की जगह पे आप 2 लाख में प्रैक्टिस कीजिए, अनदर 3 मंथ्स गेट एक्सपर्टीज, फिर 2 लाख के बाद आप 5 लाख कीजिए, प्रैक्टिस इट फॉर अनदर 3 to 6 मंथ्स, जैसे आपका वो हो गया then go for 10 lakhs, practice it for next 6 months, see whether it is moving as per your expectations or not, uske baad 10 lakh ka 20 lakh 20 lakh ka 50 lakh 50 lakh ka 1 crore capital banane mein koi badi baat nahi, badi baat hai consistency, badi baat hai mindset, dikhne ke liye ye 450 rupya on one lot bahut hi chhota hai, lekin जस्ट इमेजिन अबाउट आप अगर
आप अगर जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे और उसके बाद आप 1 करोड़ में प्रैक्टिस करते हो, 1% कितना होता है, 1 CR का 1% इज इक्वल टू आपका 1 करोड़। ये क्या है, ऑन एक्सपायरी मींस यानी आपका हो गया पर मंथ में, पर मंथ हो गया आपका 4 लाख रुपया, यानी और एनम आपका हो गया INR 48 लाख। गेम आपको समझ में आएगा जब आप बड़ा कैपिटल में खेलोगे। बड़ा कैपिटल में खेलने के लिए आपको पहले छोटा कैपिटल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, उसके बाद ही आपको बड़ा दिखेगा। देखो 5 लाख 50 हजार लगा के आपको कितना मिलेगा, 22 हजार रुपया या 24 हजार रुपया, उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं। 5 लाख लगा के साल में आपको कितना मिलेगा, साल में आपको उसका 50% यानी 2.5 लाख रुपया, वो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये गेम जो है बड़ा क्वांटिटी का है, लेकिन बड़ा क्वांटिटी विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट लर्निंग आप अगर उसमें कूद जाओगे तो कोई काम का नहीं है। काम का तभी होगा जब आप छोटे से चालू करोगे, 450 रुपये से चालू करोगे पर एक्सपायरी का, वो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पर एक्सपायरी यानी पर वीक में आपको 1 लाख रुपया, तभी जाके आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वही अच्छा लगने के लिए पहले की जो पेन पेन है, इट्स अ पेन ऑफ प्रैक्टिस, 3 महीना 6 महीना आपको वही छोटा छोटा 450 रुपया 500 रुपया में आपको देखना है। अभी देखो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 लाख में, 15 लाख में ये 10 हजार बन रहा है, दूसरे अकाउंट में मेरा और एक 5 हजार 6 हजार है, ऑलरेडी मेरा 1% आ चुका है, 1% आ चुका है यानी 15 लाख का 1% इज 15,000। तो 15,000 ऑलरेडी मेरा मीन्स इसमें से मैं कम से कम 10 हजार रुपया तो लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा 20 हजार 22 हजार लेने के लिए। बट पर वीक INR 15,000, एम्प्लॉइंग 15 लाख, तो पर मंथ INR 60,000। पर एनम कितना हो गया, 7,20,000। ये हो गया यूजिंग INR 15 लाख एज कैपिटल, एज कैपिटल। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस जरूरी है, बोलने में बहुत आसान है, बोलने के लिए बहुत आसान है, आई कांट मीन्स टेल यू दैट, देखने के लिए बहुत आसान है, लेकिन 3 महीना 6 महीना 9 महीना 1 साल इसको प्रैक्टिस करने कोई आसान बात नहीं। ये जैसे ही अभी मेरा 6 महीने चल रहा है इस प्रैक्टिस प्रोसेस में, इसीलिए मैं 15 लाख में ही हूँ और 3 महीना इसमें लगाने वाला हूँ, और 3 महीना लगाने के बाद ये मेरा जो कैपिटल 15 लाख का है वो 30 लाख हो जाएगा, तब जाके मेरा 60 हजार की जगह पे आपका डबल हो जाएगा, 1,20,000 पर मंथ। फिर उसको मैं 6 महीना प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अगले 6 महीना विथ 13 लाख कैपिटल, इसी हिसाब से जाएगा, उसमें काफी लर्निंग सेशंस मिलेगा उसको मिलेगा, उसके बाद मैं जाऊंगा 50 लाख में, आई प्रैक्टिस फॉर अनदर 6 मंथ्स, उसमें भी सक्सेस मिलेगा और काफी लेसन मिलेगा, क्योंकि मार्केट टेक्सचर रेगुलरली चेंज होता रहता है, टेक्सचर
टेक्सचर आपका चेंज होता रहता है। यहाँ पे सिर्फ मैं तो आपको प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट के रिलेटेड ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे और भी स्ट्रेटेजीज हैं, बेसिकली इट्स ए नॉन डायरेक्शनल कम डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी व्हाइल यूजिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, नॉन डायरेक्शनल एज वेल एज डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिर्फ पुट को राइट किया, कॉल को राइट नहीं किया। आई एम वेटिंग, लास्ट मोमेंट में कुछ मजा आएगा तो कुछ बात है। आप यहाँ पे देखोगे इस कैपिटल में मेरा, आपको मैं मार्जिन दिखा लेता हूँ, मेरा इस अकाउंट पे 7.5 लाख रुपए का वो था जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 6.5 लाख रुपया यूज कर चुका हूँ। यानी 7.5 लाख रुपया में अगर मेरा 10,000 बनता है, यू थिंक अबाउट द रिटर्न्स परसेंटेज। ये छोटा छोटा है, करेंटली बहुत छोटा है, क्योंकि आई एम यूजिंग ओनली 15 लाख कैपिटल। आई एम मेरे पास और एक अकाउंट है जहाँ पे फायर्स का अकाउंट है, जहाँ पर भी मैं और एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 लाख में। मेरा नेक्स्ट 3 महीना इसी को मैं, और 3 महीना यानी दिसंबर जनवरी फरवरी इसी को मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ 15 लाख के साथ। मैं झट से 30 लाख नहीं करने वाला हूँ। एक बार फरवरी एंड में मैं फिर इसको 30 लाख से चालू करूंगा, सब्जेक्ट टू द लर्निंग लेसन आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस 3 मंथ्स, दिसंबर जनवरी एंड फरवरी 30 लाख का करूंगा, मेरा ये प्लान है। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद फिर उसको रीअसेस करूंगा। तो यहाँ पे काफी पैसा छोटा छोटा, बेसिकली मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ, मे बी माई प्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रक्चर वे में बनाने का कोशिश प्रयास नहीं किया, जस्ट फ्लो पे आ चुका है। मैं एक्चुअली जस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला था, लेकिन सोचा कि एक ग्लिम्स आपको दे दू लाइव मार्केट का, कि ये छोटा पैसा 450 रुपया यूजिंग 50,000 रुपया, 500 रुपया यूजिंग 50,000, प्रैक्टिस इन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स। जैसे आपको सक्सेस मिलेगा फिर आप 50,000 को 1 लाख, डोंट ब्रिंग 10 लाख रुपीज इन डे वन, आपका पैसा लूट जाएगा। जो ऑलरेडी मेरा 2014 से काफी मैंने पैसा लुटाया है, यहाँ पे काफी लॉसेस किया है। लॉसेस करते 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 अभी एक स्टेबलाइज पोजीशन में हूँ। फ्रॉम दिस स्टेबलाइज पोजीशन मैं थोड़ा सा ग्रो करने का प्रयास कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। और भी क्या क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आपके सामने प्रेजेंटेशन लेके आऊंगा। सो यहाँ पे निफ्टी का जो मेरा हिसाब से ये 19,000 18,900 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एज ऑफ नाउ, एंड इधर 18,800 के 18,900 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए, एंड 18,800 के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए। दैट मीन द केस इसके ऊपर एंड इसके नीचे आपको कॉल एंड पुट राइट कर सकते हैं। मोमेंटम के लिए और क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना है, कभी आप कॉल को राइट करोगे, कभी आप पुट को राइट करोगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये एक दिन में या एक वेबिनार में मैं आपको सिखा नहीं सकता, बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पे, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये देखिए डिस्पाइट बैंक निफ्टी जो हमने डिसाइड किया है कि 43,500 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए एंड 43,200 के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, डिस्पाइट दैट आप देखोगे मैंने यहाँ पे सिर्फ पुट को राइट किया है। ये आप देखो पुट को राइट किया, आपका 43,000 का पुट को राइट किया, 43,200 का पुट को राइट किया, दूर का पुट को बाई किया। मैंने कॉल को अभी तक राइट नहीं किया, क्योंकि जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो जैसे मेरे को एक कन्विक्शन आ जाएगा तो मैं समवेयर, चाहे वो 43,400 हो या 500 हो, वहां पे कॉल को राइट करूंगा, सो दैट मेरा कम मार्जिन में काम हो जाए। एंड मेरा जो टारगेट है 1%, 15 लाख का 1% is 15,000, I am targeting 15 to 20,000 per expiry. One more thing, ये थर्सडे का आपका 1% है निफ्टी या बैंक निफ्टी भी। सिमिलरली ट्यूसडे का 1% होता है फिर निफ्टी एक्सपायरी पे, फ्राइडे का करेंसी एक्सपायरी पे भी 1% होता है। दैट मीन द केस ट्यूसडे का 1%, थर्सडे का 1% एंड फ्राइडे का 1%, सो वीकली बेसिकली 3% का एक प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो।
जो मैं ऑलरेडी चालू कर चुका हूँ, और रिगार्डिंग दैट वन मैं अब आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। हफ्ते का पर वीक का अगर 3% है, 12% का आपका पर मंथ का, 12% मत कीजिए, लेट इट बी 7 to 9% पर मंथ, यानी 84% से 108% तक का प्रोबेबिलिटी है इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि मेरा बेसिक वो है करेंसीज में, लेकिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भी मैं इसमें यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी निफ्टी चलेगा, कभी बैंक निफ्टी चलेगा, कभी फिर निफ्टी चलेगा, कभी रूपी चलेगा, कौन किधर चलेगा वो एक रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलेगा। एंड एक्सपायरी में आप अगर इस टाइप का एक रेंज ले लेते हो और पकड़ लेते हो तो पूरा 1% आपके जेब में, 1% एंड ओ। यहाँ पे सावधानी ये बरतना चाहिए, जैसे सपोज आप ऊपर का नीचे का शॉर्ट करोगे, आइदर साइड अगर ब्रेकआउट करते हैं तो उस साइड के आपका जो रैंकिंग है उसको स्क्वायर अप करना चाहिए, एंड नीचे का जो है उसको आपका रोल ओवर करके ऊपर की तरफ लेके आना है, तब जाके आपको जो यहाँ पे लॉसेस आएगा एक साइड का डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए, तो ये आपका निगेट हो जाएगा एंड आराम से आप 1% एंड अबव का कर सकते। यही प्रयास में मैं पिछले 3 महीने में ऑलरेडी कर चुका हूँ, जहाँ पे मेरा एक अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है और आपका 50 लाख। नवंबर मंथ में मैं 1.5 लाख का प्रॉफिट बनाया हूँ और 50 लाख विच इज 10% पर मंथ। 10% छोड़िए, लेट इट बी 7%, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड पर मंथ, 7, 84% पर मंथ। इसी एक सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, डे इन एंड डे आउट, मंथ ओवर मंथ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर, उसमें मास्टरी कीजिए। उसके बाद कैपिटल आपका जो है 1 लाख के पीछे 10 लाख, 10 लाख के पीछे 50 लाख, 50 लाख के पीछे 1 करोड़ बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लर्न द गेम रूल स्ट्रेटेजी, रूल क्या है उसको समझिए, रूल क्या है उसको ध्यान से पकड़िए, छोटा छोटा कैपिटल में उस रूल को प्रैक्टिस कीजिए, डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका 3, 6, 9 महीने में आपका एक्सपर्टीज हो जाएगा, देन आप धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाएंगे। किसी को अगर फर्दर इंक्वायरीज है तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली कम बैक विद अ रिप्लाई। थैंक यू एंड बाय।